नमस्कार दोस्तों, पंजाब किंग्स की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, पंजाब किंग्स को अपना अगला मुकाबला 20 अप्रैल को बेंगलोर के खिलाफ खेलना है। उससे पहले पंजाब किंग्स को लेकर कई बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। पंजाब किंग्स के पूर्व हेड कोच अनिल कुंबले ने लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम की जमकर तारीफ की है। साथ ही बेंगलोर के खिलाफ हमें बीकेएस टीम की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टीम नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतर सकती है। वहीं अगले मैच में लियाम लिविंगस्टन के खेलने को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो में इन सब पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के पूर्व हेड कोच अनिल कुंबले का बड़ा बयान आया है। अनिल कुंबले ने शाहरुख खान को मैच फिनिशर बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की पारी शाहरुख खान ने खेली है और मैच को जीत के साथ फिनिश किया है, उसे उन्हें काफी आत्मविश्वास मिलेगा और इसका फायदा शाहरुख खान को आने वाले मैचों में मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि शाहरुख खान घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए अच्छा खेलते हैं और वह अपनी टीम में मैच फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। वहीं अब आईपीएल में भी ऐसा करता देख अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अनिल कुंबले ने पंजाब किंग्स की फील्डिंग की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सैम करन की अगुवाई में पीबीकेएस के प्लेयर्स ने शानदार फील्डिंग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कप्तान शिखर धवन के न होने के बाद भी सैम करन की कप्तानी में प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं इसके बाद बात करते हैं पीबीकेएस की ओपनिंग जोड़ी को लेकर। दोस्तों, बेंगलोर के खिलाफ हमें टीम की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रभसिमरन सिंह लगातार 3 मैचों से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 मैचों में जिस तरह से प्रभसिमरन सिंह आउट हुए हैं और इसके बाद मैट शॉर्ट ने पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई है, उसको देखकर लग रहा है कि टीम कप्तान शिखर धवन के साथ मैट शॉर्ट से पारी की शुरुआत करा सकती है। वहीं इसके बाद बात करें लियाम लिविंगस्टन को लेकर, तो दोस्तों आपको बता दें कि लियाम लिविंगस्टन बेंगलोर के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके पूरे चांस हैं। बेंगलोर के खिलाफ उनका खेलना लगभग तय है। लियाम लिविंगस्टन के आने से अब टीम को प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करना होगा। मैट शॉर्ट और सिकंदर रजा में से कोई एक खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर हो सकता है। पिछले मैच में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेली थी। अब देखना होगा, अगर लियाम लिविंगस्टन की टीम में वापसी होती है तो टीम किसे बाहर बैठाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैच मोहाली में खेला जाना है, ऐसे में टीम सिकंदर रजा की जगह लियाम लिविंगस्टन की वापसी करा सकती है, क्योंकि दोस्तों मोहाली की पिच तेज गेंदबाजों के लिए होगी और मैट शॉर्ट तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं। ऐसे में उन्हें प्लेइंग 11 में बरकरार रखा जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।